नीट 2022 के फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको बिना किसी गलती के लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मैंने डाउनलोड कर लिया, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, ये नीट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है NTA के द्वारा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपके फॉरम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मई 2022 लास्ट डेट रखी गई इसके लिए। जनरल के लिए 1600 रुपये फीस रखी गई है। जनरल EWS OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए 1500 रुपये फीस है। SC ST PWD के लिए 900 रुपये फीस रखी गई इसमें। जो आपका एग्ज़ाम होगा 17 जुलाई 2022 को, आपका संडे के दिन एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये टाइम रहेगा आपका। जो आपकी एग्ज़ाम डेट शीट सेंटर वो आएगी, वो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपके डिग्ले जो आपकी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपका एग्ज़ाम डेट शीट और शिफ्ट आएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखते रहें, तभी मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। ये NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल से ही अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे अपने मोबाइल से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी गलती के। देखें, उसके बाद यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे नीट के लिए। उसके बाद यहाँ से आप देखिए, जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए कौन से इंस्ट्रक्टर दिए गए, आप इन्हें अच्छे से चेक कर लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे सभी को। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा वेट करना है। देखिए, उसके बाद यहाँ से आपको अपनी पर्सनल डिटेल आपको अच्छे से फिलअप करनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। देखिए, यहाँ से आपको अपना नाम डालना है, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नाम है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना फादर नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ से अपनी मदर नेम डालेंगे, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में है वही डिटेल डालनी है आपको। यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे आप, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे आप, उसके बाद यहाँ से आप नेशनलिटी सेलेक्ट करते हैं जैसे ही। उसके बाद यहाँ से आप पहचान के लिए क्या देना चाहते हैं, ID प्रूफ यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे आप। देखिए, यहाँ पर जो भी ID दी उसका नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आप अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आप, उसके बाद यहाँ से अपनी स्टेट UT जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सभी स्टेट UT आपको यहाँ पर दी गई हैं, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ से देखिए अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है आपको, जो भी 10th क्लास जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे आप। उसके बाद यहाँ से अपना पिन कोड डालना है आपको, उसके बाद यहाँ से एक मोबाइल नंबर डालना है आपको, उसके बाद दोबारा से आप कन्फर्म करेंगे मोबाइल नंबर को। उसके बाद यहाँ से ईमेल ID को डालेंगे, दोबारा से कन्फर्म करेंगे मोबाइल ईमेल ID को। अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ से सेम एस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, जो भी आपका पासवर्ड यहाँ पर आप बना सकते हैं, अच्छे से पासवर्ड एक बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए है, अगर आपका पासवर्ड गुम हो जाता तो ये आप सिक्योरिटी पिन डालने के सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आपका पासवर्ड वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपकी फेवरेट बुक है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप डाल देंगे। उसके बाद ये आपको सिक्योरिटी पिन दिया गया, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे। देखिए, जैसे ही आप सबमिट करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखा देगा। जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सभी को यहाँ पर आपको दिखा देगा। यहाँ से आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका एड्रेस दिखा देगा आपको। उसके बाद यहाँ से अगर आपके सभी एड्रेस, नाम, पता सभी आपकी अच्छे हैं तो यहाँ पर आप टिक दे देंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपके पास एक OTP और सेंड किया गया, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया। ये OTP मेरे पास आ चुका है, ये मैं डाल देता हूँ। देखिए, जैसे ही OTP डाल दे, उसके बाद यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही आप सबमिट करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल आपकी वो
वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए पर्सन डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे डिटेल पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे। यहाँ से आपका नाम डेट ऑफ बर्थ सभी आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से आपके प्लस टू की डिटेल आपको डालनी है। यहाँ से अपने स्टेट यूटी जो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डाल देंगे। यू आर डिसेबिलिटी जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आप रूरल अर्बन जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे। वार्षिक आय अपने परिवार की यहाँ पर डालेंगे आप। क्या आप अल्पसंख्यक हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे आप। यहाँ से अपनी कंट्री डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे। देखिए यहाँ से आप यस नो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे आप। आपने सेल्फ स्टडी की है जिस भी तरह की आपने यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद ये स्कोटी पिन दिया गया आपको यहाँ पर डालेंगे आप। जो भी आपको स्कोटी पिन दिया गया यहाँ पर आप अच्छे से फिलअप कर देंगे इसे। देखिए जैसे ही आप इसे फिलअप कर देते हैं फिलअप करने के बाद यहाँ से आप सबमिट पर सेव एज नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल हो फिलअप हो जाती है। उसके बाद आधार कार्ड डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे। अगर नहीं है तो भी आप इसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई फॉर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे। यहाँ से आप क्वेश्चन जो भी आप पेपर देना चाहते हैं किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी स्टेट जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेकेंड एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे आप। जो भी आपके पास एग्ज़ाम सेंटर है आपको यहाँ पर चार एग्ज़ाम सेंटर डालने हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए आप जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर डाल देते हैं उसके बाद यहाँ से फादर की वार्षिक आय क्या करते हैं आपके फादर वो यहाँ पर डालेंगे आप। जिस भी तरह के अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से क्वालिफिकेशन डालेंगे आप अपने फादर की। यहाँ से अपनी मदर की डिटेल डालनी है आपको। मदर की क्या काम करती है आपकी मदर। उसके बाद यहाँ से उसकी क्वालिफिकेशन डालनी है आपको। ये कोड दिया गया आपको स्कोटी पिन ये आपको यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देखिए जैसे ही आप ये स्कोटी पिन आप यहाँ पर फिलअप कर देते हैं उसके बाद यहाँ से सेव एज नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा वेट करें। देखिए जैसे ही आप सेव करते हैं उसके बाद यहाँ से अपनी आपको क्वालिफिकेशन डिटेल और डालनी है आपको। देखिए उसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी 10th क्लास की आपको डिटेल और डालनी है। कब आपने 10th क्लास पास की थी यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट लेंगे आप। जब भी आपने 10th क्लास पास की थी उसके बाद यहाँ से क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से स्कूलिंग रूरल अर्बन जिस भी क्षेत्र में आपका स्कूल था वो यहाँ पर डाल देंगे। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट था प्राइवेट था अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे। क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ पर डाल देंगे आप। जिस भी स्टेट से आपने 10th क्लास पास की थी यहाँ पर डाल देंगे आप। यहाँ से भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से की थी वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे आप। उसके बाद यहाँ से आपको बोर्ड स्कूल का नाम डालना है। रिजल्ट मोड डालेंगे परसेंटेज जिसमें भी था अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको टोटल मार्क्स डालने हैं और टेक्स्ट मार्क्स डालने हैं। यहाँ पर आपकी परसेंटेज खुद उठा लेगा ये। उसके बाद यहाँ से अपना रोल नंबर डालना है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम डालना है आपको। यहाँ पर पिन कोड डालना है। अगर आपने 11th क्लास कर रखी है तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर नहीं कर रखी तो नो अवेलेबल पर क्लिक कर देंगे आपके ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपकी प्लस टू डिटेल डालनी है आपको। यहाँ पर आप अपनी प्लस टू की डिटेल अच्छे से फिलअप कर देंगे। जैसे 10th क्लास की है वैसे ही आप यहाँ पर डाल देंगे प्लस टू की डिटेल को। उसके बाद ये जो आपको स्कोटी पिन दिया गया ये डालेंगे और यहाँ से आप सेव एज नेक्स्ट करेंगे।
देखिए जैसे ही आप सेव करते हैं क्वालिफिकेशन को, उसके बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे नीट के लिए। और इससे पहले आप शामिल हुए हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से अपना इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ से अपना स्टेट, यूटी, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये जो आपको सिक्योरिटी पिन दिया गया, ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना अच्छे से। मैं आपको फिलअप कर देता हूँ पहले, देखिए यहाँ पर जैसे ही फिलअप करते हैं उसके बाद सेव से नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से देखिए आपको फ़ोटो है अपना, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज 10 से 200 KB रखा गया। उसके बाद यहाँ से अपना लेफ्ट थंब का, जो आपका लेफ्ट थंब राइट थंब है, वो यहाँ पर आपको निशान डालना है। उसके बाद यहाँ से अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको। यहाँ से अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, जो आपका पासपोर्ट कार्ड है, यहाँ पर आप वो अपलोड करेंगे। ये आपको JPG में करना है। उसके बाद यहाँ से आप 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट हो, यहाँ पर अपलोड करेंगे। मैं जल्दी से अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको इसको OTP डालना है और यहाँ से आपको सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आप फाइनेंस लिमिट के ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से आपको कंप्लीट आपको फॉर्म का प्रीव्यू आपको वो दिखा देगा। यहाँ से आप अपने अच्छे से चेक कर लेंगे। देखिए ये आपने जो भी डिटेल डाली थी, यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर लेंगे सभी को। ये आपको फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखा देगा। यहाँ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाले थे उसको सभी को यहाँ पर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे इन पर क्लिक करते हैं आप, उसके बाद यहाँ से देखिए नीचे आएंगे, यहाँ से आइए पर क्लिक करेंगे आप। देखिए ना आप अच्छे से चेक कर लेंगे सभी डिटेल को। देखिए जैसे सभी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इससे पहले आप जो भी एडिट करना चाहते हो कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप पे फीस पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको फीस ओ पे करनी है। यहाँ से आपको ये सिक्योरिटी पिन दिया गया, ये आपको यहाँ पर आपको फिलअप करना अच्छे से। मैं यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन ही डाल देता हूँ पहले। देखिए जैसे ही आप सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए जो भी आपने ईमेल आईडी दी थी उस पर एक OTP आया होगा, वो यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाते हैं। वहाँ से आपको फीस है वो पे करनी है। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे। ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको बिना किसी गलती के लाइव प्रोसेस दिखाया मैंने। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।